थाना एतमादपुर क्षेत्र के अंतर्गत होटल दी ग्रेट पर पुलिस ने सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक प्रेमी युगल को भी हिरासत में लिया है, साथ ही कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद कर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के अंतर्गत होटल दी ग्रेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस ने सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर होटल में छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। छापामार कार्यवाही के दौरान होटल में भगदड़ मच गई और सड़क पर राहगीरों का तांता लग गया। थाना पुलिस ने सर्किल ऑफिसर अर्चना सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं को भी बरामद किया। थाना एतमादपुर के होटलों में देह व्यापार की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। आज उस सूचना पे एएसटीयू की टीम के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। ग्रेट होटल एंड रेस्टोरेंट में हमने छापेमारी की है। मौके से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक महिला और पुरुष। शेष अभी कार्रवाई की जा रही है और विधिक नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ और मैम होटल इस तरह के चल रहे हैं जिनमें जानकारी मिलती है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? सूचना प्राप्त हो रही है, इससे पूर्व में भी जो है एक होटल पे कार्रवाई की गई थी, अभियोग पंजीकृत करा के सील कराया गया था जी। और इस प्रकार की यदि गतिविधियाँ हमारे क्षेत्र में चल रही हैं तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अर्चना सिंह ने बताया कि इस होटल में काफी समय से देह व्यापार का धंधा संचालित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। छापामार कार्यवाही के दौरान एक युवक और एक युवती गिरफ्तार की गई है, जिनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।